Yes, good morning. Now, today we will continue with the same topic, that is nationalism in India. Yesterday, I have discussed with you civil disobedience movement and course of salt march. Now, today I will discuss with you how different groups participated in civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi, Congress Party, and many other leaders. They supported Mahatma Gandhi for this. But other than this, people in the different parts of the countries, they were also supporting Mahatma Gandhiji for this civil disobedience movement. Clear? सबसे पहले हमने बताना है peasants, peasants participation, ठीक है? We will divide this into two parts, rich and poor. सबसे पहले हमने बताना है poor peasants participation in civil disobedience movement. तो मैंने आपको बताया था कि civil disobedience movement का मतलब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, to disobey laws, यानी कि laws को कैसे disobey करना है, how to break rules and regulation. तो हम उस टाइम पीरियड में इंडिया में पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी, दैट दे हैड टू पे हाई रेवेन्यू एंड रेंट. ठीक है, पीजेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या थी, दैट एट दैट टाइम अंडर कॉलोनियल रूल दे हैड टू पे रेंट एंड हाई रेवेन्यू. ठीक है, अब फार्मर्स जो है, जो भी वो कल्टिवेशन करते थे, उसकी इनकम का कुछ परसेंट जो था उनको एज अ रेंट और एज अ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट करवाना पड़ता. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब कैसे लिया, उनके अकॉर्डिंग पुअर पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब लिया दैट दे वर नॉट, दे विल नॉट पे रेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो भी उनकी लैंड का रेंट था, ठीक है, उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का मतलब था कि जो भी ब्रिटिशर्स उनको रेंट उनके ऊपर इम्पोज किया गया था, उस रेंट को ना दें. और इसके लिए पुअर पीजेंट्स ने एक कैंपेन चलाया. हमने इसमें पुअर पीजेंट्स का बताना है, नो रेंट कैंपेन. कि वो रेंट नहीं देंगे, ठीक है, इसका मतलब है इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था कि वो रेंट नहीं पे करेंगे. एंड फॉर दैट मैनी पीजेंट्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को रेंट ना देकर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने इनके इन कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि पुअर पीजेंट जो है वो रेंट देने से मना कर. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मोटिव था कि रूल्स को तोड़ना, लेकिन रेंट कैंपेन का मतलब होता है कि रेंट देने से मना करना. तो कहीं ना कहीं पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में ये आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाई, जिसके कारण पीजेंट्स को ये लगता था, पुअर पीजेंट्स को ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही. क्लियर? देन रिच पीजेंट्स की बात करें, तो जो रिच पीजेंट्स, दे हैड टू पे हाई रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोटिव था कि वो ब्रिटिशर्स को जो हाई रेवेन्यू पे करते थे उसको रिमिट किया जाए, ठीक है, उसको माफ किया जाए या लो किया जाए. तो ये भी रिच पीजेंट्स भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इनका ये मानना था कि उनके पास जितनी भी लैंड है उस लैंड के लिए इनको जो रेवेन्यू देना पड़ता था वो बहुत ज्यादा था. सो दे अपोज हाई रेवेन्यू एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड दैट दिस रेवेन्यू शुड बी रिमिटेड, या तो इसको खत्म कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए. लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो रिच पीजेंट्स को सपोर्ट कर रही थी बट पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी और पुअर पीजेंट्स के बीच में जो है वो एक गैप मेंटेन. ठीक है, फिर हमने बताना है नेक्स्ट इंडियन मर्चेंट्स. इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन मर्चेंट्स यानी कि हमारी कंट्री में जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम पीरियड में जो रिच पर्सन थे या मर्चेंट्स थे उनके पास जो मनी थी उस मनी से उन्होंने बहुत सी, इसमें कहते हैं इनकम अर्न, शिपमेंट्स, इनकी अलग अलग कंट्रीज में शिपमेंट्स के द्वारा इनको काफी जो है वो मनी मिली.
तो हमारी कंट्री में बहुत से रिच इंडस्ट्रियल मर्चेंट्स बिजनेसमैन, लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज एट दैट टाइम फॉरेन गुड्स वर कमिंग इन इंडिया. सो इंडियन मर्चेंट्स जो थे दे वांटेड प्रोटेक्शन इन देयर ट्रेड. वो अपने बिजनेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक सिक्योरिटी चाहते थे, बट दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. और वो फ्रीडम चाहते थे, फ्रीडम टू बिजनेस विद अदर कंट्रीज, बिकॉज एट दैट टाइम सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज ऑन दीज इंडियन मर्चेंट्स. सो हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे इंडियन मर्चेंट्स, जिसे हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो जी डी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मर्चेंट्स जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते थे, बट दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. सो दैट्स वाई दे सपोर्टेड महात्मा गांधी एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन इंडस्ट्रियल जो मर्चेंट थे, IICC, इसकी फुल फॉर्म अपने याद रखनी है, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, जो बनी थी 1920. फिर बनी एक और ऑर्गेनाइजेशन 1927, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, फिक्की. फिक्की की फुल फॉर्म क्या थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना था 1927 में, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंडियन मर्चेंट्स को कॉलोनियल जो ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें मेंबरशिप नहीं मिलती, तो इसलिए इन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई ताकि इंडिया के जितने भी इंडियन मर्चेंट्स हैं वो आपस में मिलकर अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. क्लियर. अब इन्होंने पार्टिसिपेशन कैसे की, बाय गिविंग फंड्स, बाय गिविंग मनी टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कांग्रेस पार्टी. ठीक है. और इन्होंने किस चीज के लिए कंपेल किया लोगों को, नॉट टू बाय फॉरेन गुड्स, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया में इंडियन गुड्स को प्रमोशन मिले. ठीक है. एंड इवन दे वर अनहैप्पी विद द फॉलिंग प्राइसेस. ठीक है. यानी कि दे वर अनहैप्पी क्योंकि उनको ये लगता था कि मार्केट में रेट कम हो रहे हैं, अगर रेट चीजों के रेट कम होंगे तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा. तो अल्टीमेटली देयर मेन मोटिव वॉज टू स्टेबल द प्राइसेस, प्राइसेस को स्टेबल किया जाए ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है, ये जो जिन गुड्स को ये प्रोड्यूस करते थे इनके लिए इनको प्रॉपर प्रॉफिट मिले. एंड देन दे आल्सो वांटेड टू स्टॉप इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम द कंट्री. ठीक है. ये चाहते थे कि इंडिया में वेस्टर्न गुड्स जो हैं उनका इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए. जो इंडियन यूथ है वो स्वदेशी आइटम्स को प्रमोट करें ताकि इंडिया में जितने भी इंडियन मर्चेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज. तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनकी पार्टिसिपेशन भी एक लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन मानी गई. इन्होंने काफी, जिसे हम कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को और महात्मा गांधी जी को सपोर्ट किया. ठीक है. और क्योंकि अल्टीमेटली इनका मोटिव क्या था, ये स्वदेशी आइटम्स जो है वो कंट्री में प्रमोट करना चाहते थे और फॉरेन गुड्स को रोकना चाहते थे. तो इसीलिए इनका मेन, जिसे हम कहते हैं कि इन्होंने काफी फंड्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में की, और इवन इन्होंने मूवमेंट्स में महात्मा गांधी जी को सपोर्ट भी. ठीक है. देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लेबर्स, लेबर क्लास, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर क्लास होती है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं. ठीक है. लेबर्स का ये मानना था, वर्कर्स का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही, पुअर वर्कर्स को नहीं, पुअर लेबर्स को नहीं. ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली इनका ये मानना था कि शायद ये लोग फंड्स देते हैं तो शायद इनको वो सपोर्ट करे, इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा. बट स्टिल मैनी वर्कर्स एंड लेबर्स दे पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसमें आपने एक एग्जाम्पल लिखना है, छोटा नागपुर माइंस. छोटा नागपुर एरिया जो है वो हमारे इंडिया का एक माइन एरिया है, जहाँ पे बहुत से माइन वर्कर्स ने महात्मा गांधी जी की तरह जो गांधी कैप पहनना शुरू किया, महात्मा गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया. ठीक है. और इसी के साथ उन्होंने स्ट्राइक्स जो हैं वो हड़ताल अपनी अपनी फैक्ट्रीज में वो की. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने बहुत से ऐसे, हम कहते हैं, रूल्स को ब्रेक किया और
कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स और लेबर्स की पार्टिसिपेशन भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट, जस्ट एरिया आपने बताना है छोटा नागपुर माइंस एरिया, माइन वर्कर्स जो माइंस में काम करते थे, लोडिंग का काम करते थे, एक्सट्रैक्शन का काम करते थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। क्लियर? देन इसके बाद उनकी डिमांड्स बतानी कि उनकी डिमांड्स क्या थी। जैसे आपने इनकी डिमांड्स बताया, फिर इनकी डिमांड्स, फिर इनकी डिमांड्स। दे डिमांडेड हायर वेजेस। इन्होंने क्यों सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? बिकॉज दे डिमांडेड हायर वेजेस, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन दे वर्क इन माइंस दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर वेजेस, पुअर अनहाइजेनिक कंडीशंस। माइंस में क्या होता है, जब भी कोई जिसमें कहते हैं कि लैंडस्लाइड या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वर्कर्स जो है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं होती, तो दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो भी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, सो दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, माइंस वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, गांधी कैप पहनना शुरू किया और सपोर्ट करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली दे ऑल्सो यू कैन से पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल। देन फिर हमने बताना है विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन पार्टिसिपेशन। मैनी विमेन ऑल्सो दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड दे यू कैन से सपोर्टेड महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च ऑल्सो। मैनी वुमेन दे बॉयल सॉल्ट वाटर, दांडी कोस में बहुत सी वुमेन भी थी जिन्होंने सॉयल जो है वो सॉल्ट जो वाटर है उसको बॉयल किया एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया। Then they were arrested also, उनको अरेस्ट भी किया गया। क्लियर? वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ऑन लार्ज स्केल। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि कांग्रेस पार्टी जो थी दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनी इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द पार्टी टू वुमेन। ये हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो वुमेन है उनकी ड्यूटी क्या होती है, घर को संभालना। ठीक है, लेकिन फिर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत सी वुमेन जो है वो आगे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड के बारे में पढ़ोगे तो आपको मेल लीडर्स के नाम ज्यादा पता होंगे और फीमेल लीडर्स बहुत कम होती। हाईएस्ट पोजीशन जो पार्टी की हाईएस्ट पोजीशंस होती थी उन पोजीशंस में मैन ज्यादा थे, वुमेन कम। तो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई वुमेन पार्टिसिपेशन एंड व्हाई कांग्रेस वाज नॉट विलिंग टू गिव एनी इंपॉर्टेंट पोजीशन टू वुमेन। तो इसमें आपने ये बताना है दैट कांग्रेस पार्टी और इवन महात्मा गांधी ही वांटेड दैट वुमेन शुड लिव इन द फोर वॉल्स ऑफ होम एंड डू देयर ड्यूटीज। ये तो अलग बात है कि बाद में सॉल्ट मार्च में बहुत सी वुमेन जो है वो आगे आई और उन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात ठीक है कि हाँ जी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर इंपॉर्टेंट पोजिशन की बात आए तो दे वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द पार्टी, पार्टी में पोजिशन नहीं मिली। ठीक है, देन फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट पीपल ने कैसे रूल्स को ब्रेक किया सिविल डिसोबीडियंस में? इन इंडिया ब्रिटिशर्स दे फॉर्म फॉरेस्ट लॉज टू रिजर्व द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट लॉज बनाए गए। बट मैनी फॉरेस्ट पीपल व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी दे ट्राई टू ब्रेक द रूल्स बाय एंटरिंग इन टू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट एरियाज में एंटर कर गए, दे वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट भी किया गया। उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या था कि फॉरेस्ट एरियाज में जाकर ब्रिटिशर्स के बनाए रूल्स को तोड़ना। इवन हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में बहुत से फॉरेस्ट पीपल जो थे दे वर अटैक, दे वर किल्ड बिकॉज दे ट्राई टू एंटर इन द रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और द ब्रिटिशर्स। बिकॉज क्यों रिजर्व करते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज, उन फॉरेस्ट एरियाज की जो भी टिम्बर बेस्ट ट्रीज जो थे, टी ऑक सॉल, ये जो ट्रीज थे, इन ट्रीज की टिम्बर जो थी वो यूरोपियन कंट्रीज में प्रोवाइड की जाती थी रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली दैट्स व्हाई इन इंडिया एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड मैनी फॉरेस्ट, और उन एरिया से इन फॉरेस्ट को निकाल दिया, पीपल को निकाल दिया गया जो सदियों से वहां पे रह रहे थे। But when they heard the news of civil disobedience movement, these forest people, they again entered into their original inhabitants areas and they were arrested. So इस तरह से आपने अलग अलग groups की participation के बारे में बताना है that civil disobedience movement participation was on large scale. ठीक है, लेकिन ये तो था सारा participation के बारे में।
लेकिन कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने इसको फिर से लॉन्च किया और 1934 में इसको फिर से कॉल ऑफ कर लिया, तो प्रॉब्लम क्या थी? कहीं ना कहीं हमने अब इसमें प्रॉब्लम बतानी है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की प्रॉब्लम क्या थी, क्या लिमिटेशन थी, क्यों ये लार्ज स्केल पे स्प्रेड नहीं हो पाई, क्योंकि अगर ये लार्ज स्केल में स्प्रेड होती तो शायद हमें इंडिपेंडेंस तभी मिल जाती। ठीक है, अब हमने बताना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन सबसे पहले आपने बताना है कास्ट प्रॉब्लम। इन आर कंट्री कास्ट सिस्टम वॉज प्रेवलेंट एंड पीपल वर रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट। इन कांग्रेस पार्टी बेसिकली एट दैट टाइम मेनी कंजर्वेटिव हिंदूज वर देयर एंड दे रिगार्डेड सम पीपल एज लोअर कास्ट। तो धीरे धीरे लोगों के माइंड में यह आया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हायर कास्ट और कंजर्वेटिव या हिंदू रिलीजन को ज्यादा प्रमोट करती। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत से जो दलित थे उनको ये लगा दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड बाय कांग्रेस पार्टी, दलित वर इग्नोर्ड। ठीक है, और इसके लिए अदरवाइज वैसे महात्मा गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो खुद उनको क्या कहते थे, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। महात्मा गांधी जी ने तो अनटचेबल्स के लिए बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि उनको लिफ्ट किया, उनके साथ दे डाइंड विद देम, उनके साथ खाना खाते थे, उनके एरियाज में जाकर क्लैनलीनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, एंड महात्मा गांधी जी खुद उनको इन मूवमेंट्स में आगे लाना चाहते, लेकिन दलित लीडर जो थे, ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल बताना है, लाइक डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर दलित्स, इलेक्शंस एरियाज, यानी कि जब भी कंट्री में इलेक्शंस हो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होनी चाहिए, उसमें दलित कैन कंटेस्ट इलेक्शन, उसमें सभी जो हैं जो लीडर्स हैं वो दलित ही होंगे, ताकि अगर उनमें से कोई भी जीतेगा तो ऑटोमेटिकली वो दलित ही होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो महात्मा गांधी जी इस क्वेश्चन पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ एग्री नहीं करते। उनका ये मानना था कि अगर सभी लोग इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का क्वेश्चन जो है वो रेज करेंगे तो मुस्लिम इलेक्टोरेट अलग होंगे, क्रिश्चियन इलेक्टोरेट अलग होंगे, ठीक है, और जैन इलेक्टोरेट अलग होंगे, और इस तरह से हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड, रिजर्व सीट्स की डिमांड रखी गई। तो ये सारे इश्यूज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि हाईलाइट इनको किया जा रहा था, और बहुत से ऐसे एरियाज थे जिन एरियाज में दलित्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, इट वॉज वेरी लिमिटेड, यानी कि दलित पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको पार्टी में इग्नोर किया जा रहा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बट स्टिल मैनी पीपल दे केम फॉरवर्ड। बट कहीं ना कहीं कास्ट की प्रॉब्लम आने के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो लार्ज स्केल में स्प्रेड नहीं हो पाई जितना इसको होना चाहिए, क्योंकि तो अगर ये उस टाइम होती तो शायद इंडिपेंडेंस हमें तभी मिल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों के जो है वो उनके बीच में डिवीजन जो है वो हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्योंकि इनको लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मेन हिंदू जो रिलीजन है उनको सपोर्ट कर।
ठीक है, और इसीलिए फिर हमें नेक्स्ट सेकंड बताना है, पूना पैक्ट 1932, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, पूना पैक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे उन्होंने दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई 1930 में। टाइम पीरियड वही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगेन आप याद रखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही ऑर्गेनाइज दलित डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930, एंड व्हेन ही डिमांडेड अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, बट महात्मा गांधी जी ही वॉज नॉट एग्रीड। तो ये इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो काफी देर तक रहे, ठीक है, क्लैश विद महात्मा गांधी जी। बाद में महात्मा गांधी जी ने फास्टिंग टिल डेथ, फास्टिंग टिल डेथ का मतलब होता है अनशन रखना, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच पूना में 1932 सितंबर एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिस एग्रीमेंट में दलित के लिए रिजर्व सीट्स की डिमांड रखी गई। और महात्मा गांधी जी ही बिकेम एग्रीड टू गिव रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि प्रोविंस में जब इलेक्शंस होंगे तो कुछ सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन का जो राइट है वो दलित को दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट खत्म कर दिया, सीट्स वर रिजर्व फॉर दलित इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड नाउ दे वर टू बी वोटेड बाय देयर जनरल इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस इकट्ठे होंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग नहीं होगी। हाँ, उनको सीट्स रिजर्व जो है वो देने के लिए महात्मा गांधी जी एग्री हुए। तो अब आपने याद रखना है पूना पैक्ट इनके बीच में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी, कौन से ईयर में, सितंबर 1932। ये वही टाइम था जिस टाइम पीरियड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो पूरे पीक पे थी, और इन बिटवीन महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए, वहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, वहां पे इनके कुछ क्लैशेज हुए और ये वापिस आ गए। फिर इन्होंने अनशन रखा और बाद में 1932 में इन्होंने रिजर्व सीट्स की जो डिमांड थी उसको एग्री कर लिया, और इस तरह से दलित के लिए रिजर्व सीट्स की डिमांड जो है वो रखी जाएगी। क्लियर? तो ये हमने इसमें ये बताना है कि इस प्रॉब्लम के कारण कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी दलित के कॉन्फिडेंस को जीत नहीं सकी, और इसीलिए कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे स्प्रेड नहीं हो पाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बताना है मुस्लिम पार्टिसिपेशन। मुस्लिम पार्टिसिपेशन वॉज वेरी लेस इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ा गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया। बट दिस टाइम व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च, वन अनदर पार्टी मुस्लिम लीग वाज देयर। दे डिमांडेड मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। इनका ये मानना था कि हमारा जो इंडिया है इसमें हिंदू जो है वो हमेशा ही मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटीज में है। तो इनको ये डर था कि कल को अगर कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल भी जाएगी तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन कम होने के कारण उनको प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई दे आल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया। तो ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट एरिया चाहते थे। तो इनके भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस, इवन कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत क्लैशेस हुए। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज जो थी, ठीक है, दे वर नॉट सपोर्टिंग महात्मा गांधी जी बिकॉज दे वर रेजिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। बट महात्मा गांधी जी ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू
डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट को डिमांड किया जाए, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो थी दैट वॉज वेरी लेस, क्योंकि मुस्लिम्स को ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू सपोर्टेड ज्यादा है, और इसलिए अगर कल को अगर इंडिपेंडेंस मिल भी जाएगी तो इनको वो पार्टिसिपेशन या वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी जो इनको मिलनी चाहिए। और इवन धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि बहुत से मुस्लिम लीडर्स, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नेम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग से मुस्लिम एरिया की डिमांड करनी शुरू कर दी। धीरे 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 हम ये कह सकते हैं टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि जिसमें उन्होंने ये डिमांड रखी कि अगर एक कंट्री में दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं तो वो उनकी कंट्री भी अलग होनी चाहिए। दो रिलीजियस ग्रुप कभी भी एक कंट्री में इकट्ठे नहीं रह सकते। और ऐसी थ्योरीज, ऐसी बुक्स लिखी गई और जिनको पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम राइट्स होने शुरू हो। ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया डिवाइड एंड पॉलिसी रूल अडॉप्ट करके, एंड इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि 1947 आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। पर जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम ये लिखेंगे दैट देयर रोल और देयर पार्टिसिपेशन वॉज वेरी लेस बिकॉज दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। वो चाहते थे कि महात्मा गांधी जी मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को जस्टिफाई करें, उनको सपोर्ट करें, बट महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था या जो गैप था वो बढ़ता गया। ठीक है, तो ये हमने इसमें बताना, ये लिमिटेशंस थी जिन लिमिटेशंस के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो लार्ज स्केल जो है उस पर स्प्रेड नहीं होता। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक बच्चे हमने किए सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपके इस चैप्टर में मेन दो मूवमेंट, ठीक है, एक है नॉन कोऑपरेशन और दूसरी है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज विच वर द फैक्टर्स दैट मोटिवेटेड द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। ये वो टाइम था जिस टाइम पर में हमारे जो वेस्टर्न यूथ थे वो अपना कल्चर भूल रहे थे और वो वेस्टर्न गुड्स या वेस्टर्न क्लोथ्स की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन सी ऐसी बुक्स लिखी गई, कौन से ऐसे आइकॉन्स बनाए गए जिनके बेसिस के ऊपर लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, वो हमने बताया। ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर, और हम ये कह सकते कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करके हमारे लोगों के माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में हेल्पफुल रहे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव, बिलोंगिंग, लाने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, दोनों ही सेम हेडिंग, ठीक है, आंसर विल बी द सेम। अब जब भी हम अपने नेशनल फ्लैग की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा इमर्ज हो जाती है। जब भी हम क्रिकेट मैच अगर देखते हैं, क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान का मैच, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर हमें सभी इंडियंस जो है हमारी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, तो वो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी आपको नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो देता है। ठीक है, देन भारत माता इमेजेस, और उस टाइम पीरियड में बहुत से पेंटर्स ने इंडिया, जैसे आपने पढ़ा था ना फ्रांस और जर्मनी की एलिगरीज, इंडिया की एलिगरी, इंडिया को भारत माता एक वुमेन फिगर में पेंट किया और उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ शो किया, ताकि लोगों को ये लगे कि हमारी जो भारत माता है ये गुलाम है और उसको आजाद करवाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। इसमें हम शहीद भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत से हमारे फ्रीडम जो फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनका सेक्रीफाइस हम कभी नहीं भूल सकते।
इनकी स्टोरीज को पढ़ के, जब हम इनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं या इनसे रिलेटेड कोई मूवीज देखते हैं, तो हमें उस टाइम के बारे में पता लगता है कि कैसे इन्होंने उस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ को स्पेंड किया, कैसे इन्होंने सेक्रीफाइस दिया। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हमने बताने हैं कि जिन फैक्टर्स के कारण लोगों के माइंड में जो है वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई, और ये फीलिंग आगे जाकर क्या लेकर आई, नेशनलिज्म की फीलिंग। बिकॉज एट दैट टाइम इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और इसीलिए बहुत से इंडियंस ने बहुत से आइडियाज को शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, सॉन्ग्स। आज भी जब हम जन गण मन सुनते हैं, वंदे मातरम सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें एक अलग सी जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने इसमें डिस्कस करे। तो सबसे पहले हमने बताना है इमेजेस ऑफ भारत माता। जब भी हम अपनी भारत माता की इमेज देखते हैं, इससे हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री जो है, ठीक है, उसको एक विमेन फिगर में इलेबोरेट किया गया। तो पुराने टाइम पीरियड में 1947 से पहले ऐसी फिगर्स को जंजीरों से जकड़ा दिखाया गया, जिससे कि लोगों को ये लगे कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो मदरलैंड है, दैट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। और ऐसी बहुत सी इमेजेस जो है उस टाइम पीरियड में फेमस हुई, और बहुत सी इमेजेस जो है उस टाइम पीरियड में बुक्स में इनको पब्लिश किया गया, ठीक है, वो हमने इसमें बताना। तो बहुत से ऐसे पेंटर्स थे जिन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया, इमेजेस ऑफ भारत माता दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई नेशन, नेशन को आइडेंटिफाई किया गया। फर्स्ट, सबसे पहले भारत माता की इमेज जिन्होंने बनाई थी उनका नाम क्या था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने इमेज बनाई। देन इन 1870 ही रोट वंदे मातरम, 1870 में उन्होंने वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कंपोज किया, जो हमारी मदर लैंड को पूरा जो है वो डिपिक्ट करता है। उन्होंने एक नॉवल लिखा था, उसका नाम क्या था, आनंद मठ। उस आनंद मठ में उन्होंने ये सॉन्ग जो है वो कंपोज की, एंड इट वॉज सॉन्ग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट अलॉट, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताना है, दैट भारत माता इमेजेस, फर्स्ट इमेज बनाई गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर उन्होंने नेशनल सॉन्ग कंपोज किया वंदे मातरम, ये सॉन्ग उन्होंने किसमें पब्लिश किया था, आनंद मठ जो उनका नॉवल था उसमें। इसके बाद एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पेंटिंग बनाई गई भारत माता की, किनके द्वारा, अवनिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ नहीं बेटा, अवनिंद्रनाथ टैगोर, इसमें आपने नाम याद रखना है, अवनिंद्रनाथ टैगोर। ही आल्सो पेंटेड इमेजेस ऑफ भारत माता विच इज वेरी काम, काम का मतलब है कि उनको जंजीरों से नहीं बल्कि उनको एक काम फिगर जो है वो दिखाई गई, एस्थेटिक, डिवाइन, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब कि हमारी जो भारत कंट्री है ये एक स्पिरिचुअल कंट्री, बहुत से सेंट्स की ये जो लैंड है, और उसको इस तरह से दिखाया गया। तो मेन दो पेंटर्स आपने याद रखने हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड अवनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इन पेंटिंग्स को देखकर भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग। फिर हमने बताना है सेकेंड, फोक टेल्स इंपॉर्टेंस। फोक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड स्टोरी। तो एट दैट टाइम मैनी स्टोरीज वर रिटन, मैनी स्टोरीज वर कलेक्टेड बाई डिफरेंट स्टोरी राइटर्स। उन्होंने अलग अलग एरियाज की स्टोरीज को इकट्ठा किया ताकि इंडियंस जो हैं वो अपने इंडियन रूट्स को पहचाने, इंडियन कल्चर को पहचाने। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। ही ऑल्सो कलेक्टेड स्टडी मटीरियल फॉक टेल्स, रविंद्रनाथ टैगोर। ही ऑल्सो रोट मैनी स्टोरीज फॉक स्टोरीज। फॉक स्टोरीज का मतलब होता है पर्टिकुलर एरियाज रिलेटेड स्टोरीज, कल्चर, ताकि हमें अपने कल्चर की नॉलेज मिले, कल्चरल वैल्यूज जो है वो मिले, ठीक है। देन थर्ड, आइकन्स एंड सिंबल्स। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट हमारी कंट्री में बहुत से आइकन्स जो है रिलीजियस या फिर नेशनल आइकन्स या सिंबल्स जो है वो बहुत फेमस हुए। इसमें सबसे फेमस क्या हुआ, फ्लैग। आज के टाइम में हमारा जो फ्लैग है, स्टार्टिंग में फ्लैग ऐसा नहीं था
इसके थ्री मेन कलर्स थे, रेड ग्रीन एंड येलो। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में लोग अपने अपने आइकन्स यानी कि फ्लैग्स को लेकर बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि मार्च पास करते थे। और इसके बाद इसको डिजाइन कैसे किया गया, इस फ्लैग के ऊपर ना एट लोटस, लोटस फ्लावर्स प्रिंट किए गए, एट लोटस। और ये एट लोटस किसको रिप्रेजेंट करते थे, एट प्रोविंस, एट एरियाज जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर थे, एट प्रोविंस एरियाज, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो फ्लैग था वो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। यस रेस्ट आई विल डिस्कस टुमारो बेटा, टाइम इज अप नाउ।